आप लोग इस वीडियो में थ्री डिफरेंट टाइप्स ऑफ मॉली देख सकते हैं। इसमें ये जो मॉली है ये 4 डेज़ ओल्ड है, जो छोटी वाली मॉली आप देख रहे हो, सबसे छोटी ये वाली मॉली, ये मॉली 4 डेज़ ओल्ड मॉली है। और ये जो मॉली आप देख रहे हो, जो दो मॉली का पेयर है, इनको ऑलमोस्ट 18 डेज़ हो गए हैं। 18 डेज़ ओल्ड मॉली है ये, देख सकते हैं। तो मैं आपको और जूम करके दिखाता हूँ, ये 18 डेज़ ओल्ड मॉली है। और ये जो मॉली आप देख रहे हो, ये ऑलमोस्ट तीन महीने हो गए हैं इसको, ऑलमोस्ट 3 महीने ये एडल्ट हो चुकी है ऑलमोस्ट। ये मॉली आप देख रहे हो, डालमिशन मॉली है। और इन सबको मैंने एक ओपन टब में रखा हुआ है, सारे मॉलीज को ओपन टब के अंदर है। और वीडियो बनाने के लिए मैंने ऐसे इसमें से ग्रेवल्स और हाइडिंग जो प्लांट्स थे छोटे वाले, वो मैंने निकाल दिए ताकि आप लोगों को क्लियर वीडियो दिख सके। ये देख रहे हैं, ये ग्रेवल है और ये इनके प्लांट्स में दुखता है। तो जब भी आपको छोटे मॉलीज बेबीज, जिसको फ्राइज बोलते हैं, अगर आपको रखना है, तो इनके लिए हाइडिंग प्लेस आपको ज़रूर क्रिएट करनी पड़ेगी, बिकॉज बिना हाइडिंग प्लेस के ये अपने आपको मतलब हमेशा बचा के रखते हैं। खैर, इसमें ओपन टब में तो अगर आप नहीं भी रखोगे तो चलेगा, बिकॉज इसमें तो एक ही ये सारे छोटे से बड़े हुए हैं, तो ये कोई डेंजरस नहीं है। बट आप जैसे कम्युनिटी टैंक या बड़े टैंक में आप रख रहे हो, तो वहाँ पे आपको इनको हाइडिंग प्लेस देना पड़ेगा, नहीं तो इनकी जो मदर या जो इनकी दूसरी मॉलीज होती हैं, वही अपने बच्चों को खा जाते हैं। तो ये बहुत ज़रूरी है। और इनको खाने के लिए, और इनको आप खाने के लिए जो कि पैलेट्स होते हैं, नॉर्मल पैलेट्स हैं, मैं आपको दिखाता हूँ, पैलेट्स और फ्लेक्स, क्योंकि जो बड़ी मॉलीज को हम लोग ज़्यादा करके फ्लेक्स देते हैं, ये फ्लेक्स। और इसका आप एक ऐसा चूर्ण सा बना सकते हो, इसको महीन एकदम बारीक पीस के, और ये बारीक पिसा हुआ जो फ्लेक है और पैलेट्स है, वो इनको आप दे सकते हो। तो मैं इनको दे रहा हूँ, ग्रोथ भी अच्छी हो रही है। और इस टैंक्स में इधर आपको कोई ऑक्सीजन या फिल्टर लगाने की भी लोड नहीं है, खाली ओपन टैंक, ओपन ऐसा टब रखिए, उसमें पानी डाल दीजिए और फैन चला दीजिए रूम का, या वेंटिलेटेड रूम रहे जहाँ हवा आती रहे अच्छी सी। और पानी भी आप 3-4 दिन में 5 दिन में 70% और 1 हफ्ते 10 दिन में पूरा पानी आप चेंज करके इनको रखेंगे, तो ये ऑक्सीजनेटेड रहता है पानी, और मतलब ये कोई इनको प्रॉब्लम नहीं होती किसी तरह की। और वैसे भी बहुत हार्डी फिश है, तो ऐसा एज सच कोई प्रॉब्लम नहीं है। जब ये अभी देखिए, ये फिश ये इतनी बड़ी होगी कि मैं इसको अपने नॉर्मल मॉली की जो टैंक है उसमें ये डाल सकता हूँ, बट फिर भी मैं इसको यहाँ रखा हूँ बिकॉज ये बहुत फ्रेंडली है, तो ये कुछ इनको किसी तरह की कोई परेशानी नहीं है। तो एक बड़ी फ़िश मैंने इसलिए भी रखी है क्योंकि इस फिश की जो मूवमेंट को देख के जब ये खाना खाती है, तो छोटी फिशेस को भी बहुत कुछ सीखने को मिलता है। और कई जगह लोगों ने बोला कि वहाँ मतलब फ़िश रखनी नहीं, सिर्फ फ्राइज़ ही रखने एक साथ, तो फ्राइज़ मतलब फिर रहते हैं, मगर आप जब वाइल्ड में रहेंगे तो ये हमेशा अपने मदर फादर या कम्युनिटी के साथ में रहते हैं, और वहाँ से इनको बहुत कुछ सीखने को मिलता है। तो ऐसा करें कि एक या दो जो कि हार्मलेस टाइप की लगें आपको, ज़्यादा जो एग्रेसिव ना हो मॉली, वो आप अपनी फ्राइज़ के साथ डाल दें, ताकि उसको देख देख के ये कई चीज़ें, कई मोमेंट्स, कई चीज़ें बहुत जल्दी सीखते हैं और इनका ग्रोथ भी जल्दी होता है। ठीक है, आशा करता हूँ आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, और मैं और बहुत सारे एक्वेटिक फिशेज़ की वीडियोज़ आपको डालते रहूँगा। थैंक यू।